हाउ टू स्टॉप बिंज ईटिंग, ये मेरा सेकेंड टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड लाइक लिटरली इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे, फील आता है ऐसा मैं मतलब यूट्यूबर बन रहा हूँ। मतलब मुझे पता है मैं यूट्यूबर हूँ बट मुझे वो मतलब वो यूट्यूबर बनना अच्छा नहीं लगता जो लिटरली सारी चीजें मतलब लिखना अच्छी बात है, स्क्रिप्टिंग अच्छी बात है बट उसने कभी कुछ किया नहीं है, वो सारी कुछ चीजें बता रहा है तो मतलब फायदा नहीं है कुछ बता के। ठीक है तो अब आते हैं हम सच में मतलब बिंज ईटिंग कैसे रोकते हैं। बिकॉज आज मैंने ये अप्लाई किया एंड मैं हर एक महीने में मेरा ये साइकिल आते रहता है। मैं पहले मतलब मुझे आज पता चल गया मैं बिंज ईटिंग क्यों करता हूँ एंड तुम क्यों बिंज ईटिंग करते हो। तुम्हारे सामने वो चीज पड़ी है, लिटरली तुम्हारे सामने वो चीज पड़ी है फिर भी तुम मतलब रोक नहीं पाते हो खुद को। मतलब कुछ ऐसा रिश्ता बन जाता है उसके साथ, मतलब तुम्हें अंदर से एकदम से आवाज आती है दैट ना मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, खाना है, खाना है, ऐसा तुम सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। फिर तुम रोक लेते हो खुद को 2 बार 3 बार, फिर इन द एंड मतलब खा ही लेते हो। एंड आज हमने वो रोका है, मतलब हमने रोका है लिटरली आज हमने रोका है एंड दिस इज अ प्रिटी गुड अचीवमेंट, मतलब बहुत ज्यादा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले हमने रोका कैसे, आज मैंने बिंज ईटिंग एक्चुअली में की। बिंज ईटिंग मतलब वो वाली बिंज ईटिंग नहीं, दैट मैं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ और खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने क्या किया पता है, मैंने लिटरली जो जंक फूड मेरे सामने पड़ा था, जंक फूड वो मैंने उठाया एंड ना मैंने उसको थोड़ा सा खाया। सिंपल, अपना लेवल देखो पहले। तुम सोच रहे हो दैट मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा एंड तुम्हें पता है तुम खाने वाले हो एट लास्ट। तो तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें ना उसका थोड़ा खा लेना है, थोड़ा खा लो लिटरली जितनी कैलोरीज है जो भी है तुम्हारा उसका खा लो, खा लो, ये तुम्हारे लिए विन होगी बिकॉज तुम खा रहे हो एंड खुद को रोक पा रहे हो एंड रोकना इज अ बिगेस्ट विन ब्रो, बिगेस्ट विन। बिंज ईटिंग का मतलब लिटरली तुम खाते हो ना, तू खाता रहेगा मुझे पता है बिंज ईटिंग कैसी फील होती है। मतलब तुम खा रहे हो, 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 मतलब तुमसे रोका ही नहीं जा रहा है एंड एट लास्ट इतना ज्यादा पेट भर जाता है एंड फिर जो रिग्रेट आती है, फिर जो रिग्रेट आती है लिटरली ब्रो वो सबसे ज्यादा बुरा फीलिंग देती है। एंड आज हमने वो रोक लिया बिकॉज हमने हमारा लेवल इजी कर दिया, हमने खा लिया एंड लिटरली स्टिल मेरे को क्रेविंग्स आ रही थी, मेरे को क्रेविंग्स आ रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट हमने हमारा लेवल कम कर दिया, हमने खा लिया, खाया तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला एंड फिर मेरा भले ही विल पावर डाउन हुआ बट मुझ में वो मतलब सस्टेनेबिलिटी थी जो मतलब मैं उस चीज को खाने से रोक पाऊँ खुद को, मतलब मैंने खुद को रोक लिया दैट हाँ मैं नहीं करूंगा। तेरे लिए ये है दैट तुझे ना जब भी मतलब मन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है खाने का, खा ले उसको, खा ले, तुझे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना है एंड ना उसके बाद बस रुक जा, थोड़ा सा मतलब पेट में डाल दे एंड फिर देख, फिर देख, फिर देख, फिर ना मतलब तुझे लगेगा दैट नहीं मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ, अभी मैं रोक सकता हूँ खुद को बिकॉज मैंने खा लिया है। मतलब तुझे ऐसा रोकने का फीलिंग, तुझे उसके बाद खुद को रोकना है, वो मतलब ऐसा नहीं है दैट एकदम से इजी हो जाएगा प्रोसेस। ये जो मैंने तुझे मेथड बताया है उससे थोड़ा सा इजी होता है, उससे तू प्रॉपरली बिंज ईटिंग नहीं बंद कर पाएगा बट दिस इज एन इजीएस्ट इजी इजी वे, इजी वे। सो हमें थोड़ा सा इजी करना है इस प्रोसेस को, मतलब मेन यही है दैट तुझे हार्ड लेवल से इजी लेवल पर आ जाना है। एंड ये होता क्यों है, ये होता क्यों है मैं तुझे बताता हूँ दैट बिकॉज सबसे पहली बात मैं आज मेरा रीजन बताता हूँ सबसे पहले दैट हमारा साथ ये होता क्यों है। बिकॉज सबसे पहले हम कोई बैड हैबिट करते हैं, ये तेरे लिए भी है दैट तू कोई बैड हैबिट करता है, तुझे ऐसी चीज तू करता है जिससे तुझे बुरा लगता है एंड बुरा लगता है तो उससे और ज्यादा ऐसी हैबिट्स आती हैं जो स्नोबॉल होती है, मतलब तुझे वो और ज्यादा बुरा लगता है एंड उसके बाद इन द एंड तू ना काफी ज्यादा वो हो जाता है, वीक हो जाता है, मतलब ना अंदर से मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, हारने जैसा फीलिंग आ जाता है एंड तब हमारी बॉडी कंफर्ट में आ जाती है एंड कंफर्ट में आ जाने के बाद हम जाके ये सारी चीजें करते हैं, मतलब खा लेते हैं और देख लेते हैं एंड मतलब ऐसी चीजें हैं। सो मैं तो जो यही बोल रहा हूँ दैट अगर ये सारी चीजें हमें जड़ से मिटानी है तुझे कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले तो ढूंढ ऐसी चीज क्या है जो तुझे ये सब करवाने पे मजबूर कर रही है। सिंपल, ये मेरे लिए था दैट मैं जल्दी नहीं उठता हूँ एंड मैं जल्दी नहीं उठता हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ एंड पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है एंड मैं जब अच्छा नहीं फील करता हूँ तब मैं बेसिकली बिंज ईटिंग कर लेता हूँ। मतलब ये मेरा ऐसा है, बट
अभी मेरा हट गया है सब, मैं अपना विल पावर बढ़ाने वाला हूँ, एंड विल पावर बढ़ जाएगा ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हटा दो, ठीक है। अब हम बात यही कर रहे हैं दैट मैंने तो इस फर्स्ट मेथड बताया वो याद रखना है, एंड देन सेकेंड तुझे उसे जड़ से हटाना है, तो तुझे थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा एंड ऐसी हैबिट्स करनी पड़ेगी जो तुझे अच्छा फील करवा रही हैं। बाकी आज का हमारा डे बताया है, तो आज हमने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेम में भी हम अच्छे गए, जहाँ पे हमने ग्राइंड किया अच्छे से, हमने हमारा कंप्यूटर में एडिटिंग किया जो कि हमारा फर्स्ट टाइम था, एंड इट फेल्ट हार्ड बट लिटरली दिस वॉज द थिंग। मतलब जब तुम स्ट्रेस पे रहते हो ना तभी तुम्हें प्रोग्रेस आता है, ये बात ध्यान रखना, तो मेरे लिए एक प्रोग्रेस था, एंड यस दिस वॉज द डे, एंड मोस्टली कुछ ज्यादा उतना है नहीं, अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद हमें बस सो जाना है, सिंपल यूट्यूब वीडियो डालूंगा एंड सो जाऊंगा, बिकॉज मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना है, सिंपल। एंड आज भी मैं तुझे रिमाइंडर दे रहा हूँ दैट तू यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट कर, यूट्यूब वीडियो बना 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 बना, ठीक है, डोंट फेल व्हेन यू आर विनिंग इट, ओके।